मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे स्तर तक क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने हर तरह से योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है, जिससे मन को संतोष मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सारी जनहित की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, चाहे वह आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कार्य हो, गरीब कल्याण की योजना हो या फिर वैक्सीनेशन को लेकर हो, सभी योजनाओं का निचले स्तर तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यों की तारीफ करते हैं तो मन को संतुष्टि मिलती है। उन्होंने कहा, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर लगी हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लगातार ये कोशिश है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन कल्याण के लिए जो कार्यक्रमों की रचना करें, केंद्र सरकार जो कार्यक्रम बनाए उसको आदर्श ढंग से हम नीचे जमीन पर क्रियान्वित करें। और मुझे बताते हुए संतोष है, चाहे वो कोरोना कंट्रोल का मामला हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का काम हो, हमने रोड मैप बना लिया और उसको क्रियान्वित करना शुरू कर दिया, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, किसानों का कल्याण हो, माताओं बहनों का उत्थान हो या वैक्सीनेशन महाअभियान हो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर योजना को नीचे तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और मन गर्व से भी भरता है और संतोष भी मिलता है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश के इन कदमों की सराहना करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।